गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर 14 ऑफ यूनिट 6. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 6, फ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन द पार्ट ऑफ अ होल नंबर. फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं. लाइक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं थोड़ा सा. मीनाक्षी वॉन्ट्स टू ईट हाफ ऑफ द केक. मीनाक्षी केक का आधा हिस्सा खाना चाहती है. तो जो होल केक होगा, ये होल केक है और इसका ये पार्ट्स हो गए. तो ये जो पार्ट्स होंगे ये फ्रैक्शन होंगे, ये फ्रैक्शन हो जाएंगे. हाफ, क्वार्टर एंड थ्री फोर्थ, ये सभी फ्रैक्शंस होते हैं. फ्रैक्शंस ऑफ रीजंस. हर्ब्स, टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड हर्ब्स. किसी भी चीज़ के दो बराबर हिस्सों को हम हर्ब्स बोलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है सारी चीज़ें. ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं, इनको हर्ब्स बोलेंगे. दीज शेप्स हैव टू इक्वल पार्ट्स. इन शेप्स में टू इक्वल पार्ट्स हैं. वी कैन सी हेयर टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द सेम साइज. सेम साइज के जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं. वन थर्ड क्या होता है? दीज शेप्स हैव थ्री इक्वल पार्ट्स. इन शेप्स के थ्री इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हैं, ये इक्वल पार्ट्स हैं. थ्री पार्ट्स आर ऑफ द सेम साइज. सेम साइज के थ्री पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड थर्ड. थ्री इक्वल पार्ट्स को हम थर्ड बोलते हैं. ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड, और सभी पार्ट को हम वन थर्ड बोलेंगे. ये वन थर्ड हो जाएगा, ये वन थर्ड हो जाएगा और ये वन थर्ड हो जाएगा. वन फोर्थ. दीज शेप्स हैव फोर इक्वल पार्ट्स. इन शेप्स के फोर इक्वल पार्ट्स हैं. फोर पार्ट्स आर ऑफ द सेम साइज. सेम साइज में ये डिवाइड हैं. सेम साइज के फोर इक्वल पार्ट्स हैं, उनमें ये डिवाइड है. फोर इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड फोर्थ. फोर इक्वल पार्ट्स को हम फोर्थ बोलते हैं. ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड वन फोर्थ ऑफ अ क्वार्टर. और अ क्वार्टर वन फोर्थ बोलेंगे इन पार्ट्स को, या फिर क्वार्टर बोलेंगे. वन ऑफ द फोर पार्ट्स इज ब्लू. एक पार्ट इसका ब्लू है. सो वी से वन फोर्थ इज ब्लू. सो हम कहेंगे वन फोर्थ पार्ट जो है वो ब्लू है. वी राइट वन फोर्थ एज. हम वन फोर्थ को ऐसे भी लिख सकते हैं. टू ऑफ द फोर पार्ट्स आर ब्लू. इसमें टू पार्ट्स ब्लू हैं. वी से टू फोर्थ इज ब्लू. तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू फोर्थ पार्ट जो है वो ब्लू है. वी राइट टू फोर्थ एज. हम टू फोर्थ को ऐसे लिख सकते हैं. थ्री ऑफ द फोर पार्ट्स आर ब्लू. यहाँ पे थ्री पार्ट्स इसके ब्लू हैं. वी से थ्री फोर इज ब्लू. यहाँ पे हम बोल सकते हैं थ्री फोर पार्ट जो है वो ब्लू है. यहाँ पे वी राइट थ्री फोर एज. थ्री फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.